हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। आपके सामने भी डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम है जो अपन ने स्टडी किया हुआ है अंडर द हेडिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। अब अपने को प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज देखने का, इसके पहले निगेटिवली चार्ज अपन स्टडी किया है। उसमें क्या होता था, कैथोड से कुछ रेज इमिट होते थे और एनोड के तरफ जाते थे जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज था ओके और इंसिडेंट हो रहे थे बिहाइंड द एनोड। इस रेस को अपन ने कैथोड रेस कहा था। क्या कहा था, कैथोड रेज। अब जब ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, थॉमसन ने दिया हुआ, तो गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने एक इमेजिनेशन किया कि इसके अंदर ट्यूब के अंदर तो गैस भरा था, गैस तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब वो निगेटिव इमिट कर रहा है, मतलब कन्फर्म वहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि पॉजिटिव भी इमिट हो, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है ना गैस, मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो गैस कॉम्बिनेशन है निगेटिव और पॉजिटिव का। तो गोल्डस्टेन ने क्या किया, इस कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया कि उसका ऐसा लगा कि रेज ऑब्जर्व होंगे इजीली बिहाइंड द कैथोड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है? लेकिन वो कन्फर्म था कि न्यूट्रल है, निगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब पॉजिटिव भी प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन किया मतलब क्या किया, ये जो कैथोड था ना, ये डिस्क कैथोड है, कंटिन्यूस कैथोड है, अब इसको प्रफोरेटेड कैथोड यूज किया। कैसा, प्रफोरेटेड। प्रफोरेटेड मतलब क्या बेटा, नॉट अ डिस्क, नॉट अ कंटिन्यूस वन, इसको छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स वाले बनाया। कैसा, ओपनिंग्स होंगे, मतलब उसने ऐसा इमेजिन किया कि इस कैथोड रेज का पिनेट्रेशन पावर ज़्यादा था, इसलिए ये एनोड में से पास होके इधर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये तो हो सकता है ना कि जो पॉजिटिवली चार्ज रे है शायद यहाँ से पिनेट्रेट ना हो। अब प्रफोरेटेड कैथोड के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आके कुछ रेज इंसिडेंट हो गए, मतलब जो गोल्डस्टेन सोच रहा था वो बराबर था कि सम रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, एनोड, और किसके तरफ जा रहे हैं, कैथोड के तरफ, मतलब जैसा कैथोड रेज ट्रैवल हो रहे थे एनोड रेज उससे उल्टे ट्रैवल हो रहे हैं। कैथोड रेज निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे ये वाले, अब एनोड रेज पॉजिटिव टू निगेटिव आएंगे, अपोजिट ट्रैवल होंगे ओके हाँ? तो ये ऑब्जर्व हुआ गोल्डस्टेन को। एक्चुअली कंसेप्ट को आप ऐसा दिमाग में रख सकते हैं कि समझ लीजिए यहाँ पर जो गैस है वो क्लोरीन गैस है, कौन सा, क्लोरीन। आप इसके ऊपर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, क्या लिबरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl से इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो बचेगा क्या रे बेटा, Cl प्लस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब कैथोड रेज एंड Cl प्लस है मतलब कौन, एनोड रेज, जो किसने बताया, गोल्डस्टेन ने। एक्चुअली एनोड रेज आर नॉट द प्रोटॉन्स, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स ऑफ द गैस विच इज एनक्लोज इन अ ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका पॉजिटिवली चार्ज आयन्स मतलब कौन सा रेज, एनोड रेज, प्रोटॉन नहीं है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगा ना, जैसे ऑक्सीजन है O, तो O के लिए क्या बनेगा, O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसने अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए तो ये टू प्लस बनेगा, इधर टू इलेक्ट्रॉन। तो हर गैस के लिए ये जो एनोड रेज है उसका मास अलग अलग आएगा, क्योंकि ये कोई प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है। तो गोल्डस्टेन ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और मिनिमम मास मिला उसको हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बनेगा बेटा, इधर H+। और ये हम भी जानते हैं
कि H प्लस के पास एक ही प्रोटॉन होता है, पहला एलिमेंट है ना ये, मिनिमम एटॉमिक मास से मिनिमम एटॉमिक नंबर है किसका, हाइड्रोजन का। सो एच प्लस आयन इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन। ध्यान देना मैंने क्या कहा, अदर गैस लिया तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन से उसको अपन एनोड रेज बोलेंगे या फिर उसका नाम कैनल रेज भी है, कौन सा कैनल। लेकिन मिनिमम मास मिलेगा आपको हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का एनोड रेज मतलब कौन, प्रोटॉन। फिर से एक बार, एनोड रेज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज क्या, प्रोटॉन, क्योंकि मिनिमम चार्ज भी देगा और मिनिमम मास भी देगा। आपका नॉलेज यूज करिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ओके, अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एनोड रेज। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, सबसे पहला और सिंपल प्रॉपर्टी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पास होता है, स्ट्रेट लाइन, सेम एज दैट ऑफ कैथोड रेज। सिर्फ कैथोड रेज, कैथोड से एनोड जा रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये उल्टा आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, शोज पार्टिकल नेचर, मतलब मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से बना हुआ है, इट हैज अ मास। ओके, तीसरा, इट्स नेचर डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया है इसके ऊपर इसका नेचर डिपेंड है। अभी अपन ने देखा ये जो एनोड रेज है एक्चुअली प्रोटॉन नहीं है, ये कैटाइन है किसी भी गैस का। तो गैस चेंज हुआ तो कैटाइन चेंज होगा, कैटाइन चेंज होगा मतलब उसका ई बाई एम रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो, ई बाई एम रेशियो डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लास्ट के दोनों पॉइंट में दिमाग में रखने का है कि ये गैस कौन सा आप ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या होगा, एनोड रेज का नेचर क्या होगा, उसका ई बाई एम रेशियो क्या आएगा, उसका मास क्या आएगा, उसका चार्ज क्या आएगा, डिपेंड अपॉन द गैस विच इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस हिसाब से खत्म डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी तक अपन ने देखा कि अपने को इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, जल्दी मिल गए विद द हेल्प ऑफ सेम इंस्ट्रूमेंट दैट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, निगेटिव प्लेट की तरफ चला गया। लेकिन और एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है थर्ड वन, दैट इज न्यूट्रॉन, इसका डिस्कवरी जल्दी नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा साइंटिस्ट को लगा, पर्टिकुलरली रदरफोर्ड्स को, कि तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर होना चाहिए, दैट सब एटॉमिक पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन। आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कंसेप्ट क्या है, देखो, इट इज प्रेडिक्टेड बाय रदरफोर्ड, प्रेडिक्टेड मतलब इमेजिन किया, कंसिडर किया, किसने, रदरफोर्ड ने। बात को समझिए, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ चले गए, वैसा न्यूट्रॉन तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा और एटम के अंदर है। अब एटम ही नहीं दिखाई देता तो न्यूट्रॉन दिखाई देगा क्या, तो जरूरी क्या था, इमेजिन करना। तो रदरफोर्ड ने ये कहा, रदरफोर्ड के पहले तो ये कंसीडर किया जाता था, दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन,
लेकिन रदरफोर्ड को ऐसा लगा कि नहीं, तीसरा एक सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन। हाँ, वो डिस्कवर्ड कैसा होगा ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, बट इट शुड बी न्यूट्रॉन। सो इट इज प्रेडिक्टेड बाय रदरफोर्ड, बट डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड चैडविक। किसने डिस्कवर्ड किया? लॉर्ड चैडविक ने। एक्चुअली लॉर्ड चैडविक एक न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे जिसमें बेरिलियम के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर रहे थे, एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ हीलियम, मतलब एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर मिल रहा था कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। हाँ, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 9 प्लस 4 13, इधर कितना है 12, बचा 1। तो जो बचा हुआ एक मास से लिबरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। इनिशियली लॉर्ड चैडविक को ऐसा लगा था ये जो अननोन रेज है ये रेज एक्सरे हो सकता है, कौन हो सकता है? एक्सरे। लेकिन एक्सरे मासलेस होता है, इसलिए लॉर्ड चैडविक ने बाद में ये कंक्लूड किया, प्रूव किया कि जो रदरफोर्ड बता रहे थे थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन एंड डिस्कवर्ड बाय द लॉर्ड चैडविक। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें दिमाग में रखने का, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहला पॉइंट। दूसरा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा मास है किसका? न्यूट्रॉन का, बात खत्म। ये लोकेट है अलोंग विद द प्रोटॉन इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये बाद में पता चला, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसका मास स्लाइटली ग्रेटर है और यू मे से नियरली सेम है किसके? प्रोटॉन के। ओके, तो इस हिसाब से आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट। थैंक यू अगेन।